गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मतलब टू डे के अंदर 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर के जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे, उसी को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीख के जाओगे। ये है आज की पहला क्वेश्चन, नंबर वन। इन रिसेंटली 141st इंटरनेशनल ओलंपिक, ध्यान से सुनना, इन रिसेंटली 141st इंटरनेशनल कमेटी, ओलंपिक कमेटी यानी IOC, IOC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच कंट्री, ये कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज की गई है अभी रिसेंटली। सो याद रखना, ये ऑर्गेनाइज की गई है इंडिया में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंडिया। याद रखना, ये IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2023 ये ऑर्गेनाइज की गई है इंडिया में, इंडिया का मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में स्थित है, 15 to 17 अक्टूबर में। याद रखना, ये ऑर्गेनाइज की गई है। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, ये है 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो कि इंडिया में आयोजित की गई है। पर ये जो, ध्यान से सुनना, और एक भी आयोजित की गई थी, 86th एडिशन, ये भी हुआ था इंडिया में, मतलब इंडिया का न्यू दिल्ली में हुआ था, 1983 में हुआ था। ये बात अच्छे से याद रखना, ये IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये 86th एडिशन भी इंडिया में हुआ था, मतलब 1983 में हुआ था न्यू दिल्ली में, याद रखना। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, और एक याद आ रहा है कि याद रखना, फर्स्ट इंडियन वोमेन जो है वो है नीता अंबानी। याद रखना, नीता अंबानी को इसमें मेंबर यानी IOC के मेंबर सदस्य के रूप में सिलेक्ट की गई है, ये बात अच्छे से याद रखना, नीता अंबानी, याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर, ध्यान से सुनना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया टू फीचर इन द वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयज 2023 लिस्ट। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन में आपको यही पूछा जा रहा है कि ये कंपनी, ये जो ऑप्शन में देख रहा है, इनमें से कौन सी कंपनी ने बेस्ट एम्प्लॉयज, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयज 2023 लिस्ट में इनका नाम आई है इंडिया का। याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है, मतलब बेस्ट एम्प्लॉयज 2023, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयज 2023 लिस्ट में इसका नाम आई है। सो याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC, इसका शॉर्ट फॉर्म है NTPC, याद रखना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। याद रखना, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयज 2023 में जो पहला नाम पर आई है वो है, याद रखना, जो इसमें जो लिस्ट में आई है, मतलब लिस्ट में ये बेस्ट एम्प्लॉयज 2023 लिस्ट में आई है वो है NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का नाम आई है, याद रखना। और इसका स्कोर मैं आपको बता दूँ, 261 इसका स्कोर है। और टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इसमें शामिल रहे वो है 700 कंपनी में से इसका रैंक है 261, ये बात अच्छे से याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कौन सी प्लेस में स्थित है ये आपको बता दूँ, ये हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में, याद रखना। और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो ये एस्टैब्लिश की गई थी 7 नवंबर 1975 में एस्टैब्लिश की गई थी। और CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में बात करें तो वो है श्री गुरदीप सिंह, याद रखना, श्री गुरदीप सिंह। सो बस इतना ही याद रखना कि ये कंपनी जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयज 2023 लिस्ट में इसका नाम है, ये बस इतना ही याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और कोई भी ये हेडक्वार्टर वगैरह ये याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, पर बस याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है, ऐसे किसे पता, याद रखना। नेक्स्ट नंबर थ्री, इन रिसेंटली
एंड रिसेंटली हु अपॉइंटेड नीरज चोपड़ा आज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ध्यान से सुना, अभी रिसेंटली नीरज चोपड़ा के बारे में न्यूज़ में काफ़ी फेमस है उन्होंने, और ये बात इसमें पूछा जा रहा है कि इसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, मतलब कौन सी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। याद रखना, लॉरियस ब्रांड, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लॉरियस ब्रांड। लॉरियस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किससे सिलेक्ट की गई है? नीरज चोपड़ा को। इंडियन जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा को, याद रखना, लॉरियस ब्रांड में उनकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सिलेक्ट की गई है। ये बात अच्छे से याद रखना। और भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, उन्होंने इंडिया से मतलब सेकेंड पर्सन रहे, और इंडिया से पहले से वो पर्सन कौन था इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो पहले बार ब्रांड एम्बेसडर बने थे मतलब इसी कंपनी की लॉरियस ब्रांड की, वो था युवराज सिंह पहले बार बना था। ये कौन सी ईयर में? 2017 में युवराज सिंह ने इसका ब्रांड एम्बेसडर थे, और अब उन्होंने जो कि इंडिया से लॉरियस ब्रांड के जो ब्रांड एम्बेसडर बने वो है नीरज चोपड़ा ने। ये बात अच्छी से याद रखना। और ये जो लॉरियस ब्रांड है ये एक वर्ल्ड स्पोर्ट एकेडमी है, याद रखना, इतने से याद रखना। ये उन्होंने अभी रिसेंटली लॉरियस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बने, बस याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 4, इन रिसेंटली डॉक्टर दया भाई करुणास्कर, याद रखना, डॉक्टर दया भाई करुणाशंकर शास्त्री पास्ट अवे, उनका निधन हुआ है रिसेंटली। ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री इन 2016, और उन्हें 2016 में पद्मश्री दी गई है। एंड ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ हुइच फील्ड, उन्होंने कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड थे, बस इतना ही पूछा जा रहा है। उन्होंने उसका निधन हुआ है, याद रखना, उन्होंने कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड थे, उन्हें भी पद्मश्री दी गई है 2016 में। याद रखना, उन्होंने रेनवार्ड सांस्कृत स्कॉलर थे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रेनवार्ड सांस्कृत स्कॉलर। उन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए 2016 में पद्मश्री दी गई है, लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए उन्हें पद्मश्री दी गई है 2016 में, याद रखना। और उन्होंने काफ़ी सारे जो फेमस है, क्यों, याद रखना, गुजरात का ब्रह्मऋषि संस्कृत महाविद्यालय, याद रखना, नाडियो, याद रखना, गुजरात का ब्रह्मऋषि संस्कृत महाविद्यालय जो है नादियात उसका फाउंडर है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। याद रखना, गुजरात का ब्रह्मऋषि संस्कृत महाविद्यालय का फाउंडर है, इतना सही बात अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी आईएससीसी इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसने बने हैं अभी रिसेंटली? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की किसने बने हैं? पंकज भोरा ने बने हैं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पंकज भोरा। ये जो आईएससीसी, यानी इसका फुल फॉर्म है इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स, याद रखना, इसका जो मेन एम है इंडिया और यूएस के बीच बायलेटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना, बढ़ावा देना, इसका मेन एम है। ये एस्टैब्लिश की गई थी, ध्यान से सुनना, आईएससीसी एस्टैब्लिश की गई थी 1968 में एस्टैब्लिश की गई थी, और इसका जो अभी अपॉइंटेड हुई है, याद रखना, इंडो अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं वो है पंकज वोरा ने, याद रखना। ये एस्टैब्लिश डेट भी याद रखना, 1968 में, इसका मेन एम है
इंडिया और यूएस के बीच बायलेटरल ट्रेड को बढ़ावा देना, इतना सही याद रखना। नेक्स्ट नंबर 6, हु हैज बीन नेम्ड द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर 2023 बाय द आईसीसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अभी रिसेंटली आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर 2023 में किसे सिलेक्ट की गई थी? आईसीसी ने सिलेक्ट की है, याद रखना, शुभमन गिल रहे, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शुभमन गिल। ध्यान से सुनना, उनके ब्रिलियंट एंड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उन्हें एशिया कप में इसलिए सिलेक्ट की गई है, मतलब आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए घोषित की गई है उन्हें, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ रूप में सिलेक्ट की गई थी, याद रखना। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, उन्होंने पहले से ही एक सिलेक्ट की गई थी, मतलब उन्हें अभी सेकेंड टाइम ये सिलेक्ट की गई है, मतलब पहली बार ये तो सिलेक्ट की गई तो कौन से ईयर में, ये 2023 में सिलेक्ट की गई थी, मतलब जनवरी मंथ में। और उन्होंने ही पहला ऐसे क्रिकेटर जो कि दो बार उन्हें सिलेक्ट की गई है, जनवरी में और सितंबर में, मतलब 2023 में, याद रखना, मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में सिलेक्ट की गई है शुभमन गिल को। सो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये सभी को, याद रखना उनके बारे में, शुभमन गिल ने जो कि आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में घोषित की गई है। नेक्स्ट नंबर 7, भातुकना मीन्स, इसका मेन मीनिंग ही हम समझ लेते हैं, भातुकना मीन्स मदर गडेस माँ देवी, मदर गडेस इज अलाइव, जीवित है, और मदर गडेस हैज कम टू लाइव एंड इट इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है, भातुकमा ये एक फेस्टिवल है, मतलब इसका मीनिंग जो है यहाँ भी लिखा गया है वो है मदर गडेस इज अलाइव, इसका मीनिंग है, और मदर गडेस हैज कम टू लाइव, इसका मीनिंग है, एंड इट इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया, कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट की जाती है? ध्यान से सुनना, ये सेलिब्रेट की जाती है तेलंगाना में, मतलब ये सेलिब्रेट की जाती है, भातुकमा ये एक फेस्टिवल है, ये शुरू की जाती है महालया अमावस्या से, मतलब ये जो महालया अमावस्या से ये शुरू की जाती है, एंड ये बात अच्छे से याद रखना, ये एंड की जाती है जो साधुवाला, याद रखना, साधुवाला भातुकमा और पेडा भातुकमा में एंड की जाती है, मतलब ये अभी शुरू की गई है 14 अक्टूबर को ये शुरू की गई है, और ये एंड होगा 23 अक्टूबर तक सेलिब्रेट की जाएगी। ये भातुकमा एक फेस्टिवल है, तेलंगाना में सेलिब्रेट की जा रहा है, इतना ही याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और तेलंगाना में ये सेलिब्रेट की जा रहा है, मतलब तेलंगाना में ये भातुकमा फेस्टिवल सेलिब्रेट की जा रहा है, और तेलंगाना का सीएम कौन है, ये बात अच्छे से याद रखना, तेलंगाना का सीएम है आर चंद्रशेखर राव सीएम है। और कैपिटल के बारे में बात करते हो, वो है हैदराबाद कैपिटल है, और गवर्नर है, याद रखना, गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन गवर्नर है, और याद रखना तमिलिसाई सुंदरराजन को अभी रिसेंटली उन्हें एडिशनल चार्ज दी गई है, मतलब पुडुचेरी का एडिशनल, जो याद रखना लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में एडिशनल चार्ज दी गई है, इम्पोर्टेंट हो सकता है, तमिलिसाई सुंदरराजन गवर्नर है इसका, सो याद रखना। नेक्स्ट नंबर 8, अक्टूबर 16 इज सेलिब्रेटेड एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे। ये जो ऑप्शन में देख रहा हूँ इनमें से कौन से डे को अक्टूबर 16 में सेलिब्रेट की जाती है? वर्ल्ड अनास्थेसिया डे, ऑप्शन ए पर रहे, ऑप्शन बी पर रहे वर्ल्ड स्पाइन डे, ऑप्शन सी पर रहे वर्ल्ड फूड डे। सो याद रखना ये सेलिब्रेट की जाती है, ये सभी को, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस, सभी डे सेलिब्रेट की जाती है अक्टूबर 16 में, और यहाँ भी अक्टूबर मंथ की कंप्लीट डे है, ये सभी को याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है, सभी इम्पोर्टेंट डे यहाँ दी गई है। नेक्स्ट नंबर 9, फार्मर सीईसी, यानी सीईसी का फुल फॉर्म क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैज पास्ड अवे। ये क्वेश्चन में इसी
ये क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जा रहा है कि फॉर्मर CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैज पास्ड अवे, गुजर चुके, एंड ही वॉज द CEC ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी सिटी की उन्होंने, जो कि CEC थे, मतलब उन्होंने जो थे वो 1996 से 2001 तक थे, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनका उन्होंने गुजर चुकी है, उन्होंने थे न्यू दिल्ली के, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, 2000 ईयर में उन्हें पद्म विभूषण भी दी गई है, याद रखना, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 1996 टू 2001 तक न्यू दिल्ली की। नेक्स्ट नंबर 10, कोस्टल सीक्रेटली एक्सरसाइज सागर कवच हेल्ड इन व्हिच स्टेट, ये कौन से स्टेट में ये हो रहा है, कोस्टल सीक्रेटली एक्सरसाइज सागर कवच, ये हो रहा है आंध्र प्रदेश में यानी AP में, याद रखना ये इंडियन नेवी ने ये कंडक्ट कर रहा है सागर कवच, अभी ये हो रहा है आंध्र प्रदेश में, ये बात अच्छे से याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आंध्र प्रदेश का CM के बारे में बात करें तो वो है, याद रखना, YS जगन मोहन रेड्डी, और ये जो YS जगन मोहन रेड्डी है वो सबसे रिचेस्ट CM लिस्ट में से एक है, सबसे रिचेस्ट है, मतलब जो इंडिया में सभी CM के तुलना में उन्होंने ही सबसे रिच है। और आंध्र प्रदेश का गवर्नर है एस अब्दुल्ला नाजिर, याद रखना। और आंध्र प्रदेश का कैपिटल के बारे में बात करें तो वो कौन सी है, वो है अमरावती, आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती, और CM है, चीफ मिनिस्टर है, याद रखना, YS जगनमोहन रेड्डी, और जो गवर्नर है वो है एस अब्दुल्ला नजीर, ये सभी को याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये सागर कवच ये हो रहा है एक्सरसाइज आंध्र प्रदेश में, सो याद रखना ये सभी को। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की इनमें से आपने सभी को याद रखना, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करके मत भूलना, और हमारे साथ जुड़ के रहिएगा, क्योंकि इसी चैनल में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की जाती है, जितना भी करंट अफेयर टॉपिक है उसी को डिस्कस की जाती है, जितना भी इम्पोर्टेंट है सभी को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सभी को याद रखना, और ऐसा ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखने के लिए हमारे साथ जुड़ के रहिएगा। सो मिलता हूँ और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ, और एक इम्पोर्टेंट GK के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।